गोवर्धन पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गायों की पूजा की जाती है। पुराणों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। गोधन संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा कर रखा और सभी ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी कढ़ी और पत्ते से बनी सब्जियों के बने भोजन को हर मंदिर में पकाया जाता है। भारत के हर मंदिर में अन्नकूट मनाया जाता है। मुख्य रूप से जहां भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वहां तो अन्नकूट का बहुत ही महत्व है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन की आकृति तैयार करके उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक छोटा गड्ढा बना लिया जाता है और वहां एक कटोरी या मिट्टी के दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र के मान मर्दन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझें। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वीवासियों को संदेश दिया कि हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा प्रकृति के महाविकराल रूप को झेलना पड़ सकता है। सदियों पहले दिए गए कृष्ण के इस संदेश को आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है।